मानव के लिए सबसे बड़ी बात यह है, और मानवता इसी का ही नाम है, सत को ग्रहण करना और असत को छोड़ देना। पर दुर्भाग्य यह है कि हर कोई सत को ग्रहण करना नहीं चाहता और इधर मानव कहलाने के लिए आतुर हैं। ऐसा एक नमूना मैं छोटा सा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हमारे द्वारा जो बच्चे तैयार हुए हैं वो बात करने की शैली, बात करने का तरीका, यद्यपि हिंदी शुद्ध नहीं है, फिर भी टूटी फूटी हिंदी में जो कुछ भी बोला है, किस तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक ईसाई किस तरीके से नतमस्तक हो रहे हैं उनके विचारों के सामने, आप लोग भी इसको सुनिए ध्यान से और परखिए कि सत को ग्रहण करना मानव मात्र के लिए कर्तव्य क्यों है। एक आसाम का रहने वाला, जो आसामीज भाषा जिनका है, वो किस तरीके से हिंदी बोल रहे हैं अपनी शैली में, और दूसरा ईसाई है कर्नाटक का, वो भी हिंदी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी दोनों ने प्रयास किया है, और वो ईसाई होने के बावजूद भी इस पर चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है और विचार करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इसीलिए हम दोनों को ही प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसे सत को जानने के लिए मानव मात्र को सत्यमवेशी बनना चाहिए, यह सब के लिए ज़रूरी है। यही चीज़ हर एक नहीं करना चाहता। अभी सुनिए मेरी बात, आपने जो अगर ध्यान किया, अगर आप जानना चाहते हैं तो सब एक है कि नहीं, तो तीनों सब्जेक्ट को साथ में मिलाना होगा ना। तीन कहाँ है, चार पांच है, एक तरफ वेद है, कुरान है, बाइबल है, स्क्रिप्चर्स है, गुरु ग्रंथ साहब है, छह सब सब्जेक्ट है, सबको साथ में मिला के देखना पड़ेगा किनका राइट है। अब जिसका सत्य है, जिसका राइट है, अब उस पर ही चलेंगे ना भाई। नहीं, अगर सत्य किसको झूठ नहीं है, बोल ही रहे हैं हम, तो बोल ही रहे हैं, अगर बाइबल सत्य है तो मानने के लिए तो हम तैयार है, हम कहाँ गलत बोल रहे हैं भाई। आपका एक अच्छी बात है, मुझे यही बात आप लोगों के सनातन जो आर्य समाज है ना, यही बात आपको अच्छा लगता है, क्योंकि एक दरवाजा खोल के बैठे आप, सच को प्रस्तुत करो, प्रेजेंटेशन करो और हम पर तरक पर उनको लेके आओ, हम मानेंगे, ऐसा ये आपकी एक अच्छी बात है। हाँ, अभी देखिए जब इसलिए बात सुनिए आप, आपका ओल्ड टेस्टामेंट जो पुराना बाइबल है, देखिए भाई हम किसी के ऊपर कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, आप अगर ऐसा बोलेंगे नहीं करना चाहिए, नहीं आप गलत बोल सकते हो गणेश, करना ही चाहिए, देखो गलत चीज को अगर हटाना है तो गलती को गलत बोलने में कुछ गलत नहीं है, आपने इस बात को समझा, इसीलिए आपने बोल रहा है जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, ठीक है, सही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनिए मेरे भाई, अभी बात ऐसा है, मतलब क्या है ना, बोल रहा हूँ मैं, जिसके पास जिसके पास सत्य है सामने लाए, अगर सत है तुम्हारे पास तो हम तो मानने के लिए तैयार है, हम आर्य समाज कहाँ बोल रहे हैं जो आपके पास सत है हम नहीं मानेंगे, हम तो ऐसा नहीं बोलते भाई। भाई सत्य किसको कहते हैं, स्वयं परमात्मा ही सत्य है, अगर वो सत्य अगर हमारे साथ है हमें कोई हरा नहीं सकता, नहीं। लेकिन हाँ, हम अल्पज में है, हम लोग इंसान की जो प्रयास करते हैं, हम लोग जो है मानव हमेशा अल्पज ही रहेगा, ठीक है, इसीलिए मानव का ज्ञान भी कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता। गणेश लेकिन क्या होता है, हमारे जो प्रयास जो है ना थोड़ा कमजोर पड़ रही है, हमारे जो हमारे पास सत्य है, लेकिन उस सत्य को प्रकट करने के लिए तो हमारे पास जो शब्द या शास्त्र करते कहते हो कम पड़ रही है। देखिए भाई मेरे, मैं यही आपको बोल रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप जानना चाहते हैं, आप बाइबल को तो स्टडी किया है आपने, क्या है ना, बाइबल को बिल्कुल बाइबल को स्टडी किया है, मैंने भी किया है, आप वेद को स्टडी कीजिए, आप सत्यार्थ प्रकाश को स्टडी कीजिए, ये देखिए आपका पढ़ा हूँ अभी देखिए ये जो आपका जो ओल्ड टेस्टामेंट है, अगर आप बोलेंगे जो पुराना नियम को मत पकड़ो, अगर पुराना नियम नहीं होता तो आपको नई न्यू टेस्टामेंट भी नहीं आता, बिल्कुल उनको पकड़ना ही पड़ेगा, अगर उसको छोड़ देंगे तो नया नियम का, अगर नया नियम को पकड़ेंगे तो परे पुराना नियम का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा,
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दोनों के लिए। देखिए भाई अभी इस जगह में देखिए, जो आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सीजा, पृथ्वी आकृतिहीन शून्य और बेडोल सुनसान परी थी तथा गहरे पर ईश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। भाई अभी देखिए इसी जगह पे यही सवाल आता है जेम्स जी, अगर इस जगह पे अगर ईश्वर पहले है या इंसान पहले है? ऑफ कोर्स यार इंसान तो बाद में आया, ईश्वर तो हमेशा सनातन ही है ना वो। तो उनको मंडराते हुए किसने देखा? बिल्कुल सही बात, हम आपसे पहले ही हम लोग दावा करते हैं, हमारे जो इस बाइबल को लिखने वाला जो इंसान था 3000-4000 साल पहले ही इतना उसकी जिंदगी थी, कभी 3000-3500 साल पहले। हम ये नहीं बोलते से पहले लिखा गया। सुनो प्लीज मेरे को बोले दो, अभी आपने जो सवाल किया है वही सवाल हम वेद के बाद थोड़ी देर के लिए डालेंगे। अभी सुनो, जिस तरह आप ये सवाल कर रहे हो सृष्टि से पहले अगर मंडरा रहा था, इंसान था नहीं था, ओके तो किसने देखा, तो ये बकवास हो जाएगी। अभी इसी सवाल को हम वेद के बाद देखेंगे। जब वेद के अंदर जब लिखा जाता है ईश्वर और जीवात्मा और प्रकृति, वो तीनों अनादि है, अनादि है, अनादि है और समकालीन है, सर्वकालीन अनादि भी है और समकालीन भी है। काल 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 समझते हो, काल समय, समझ गया। समय सूचक का शब्द है वो, समकालीन और सनातन जी। ओके अभी मुझे बोलो ये ज्ञान को लिखने वाला इंसान है या ईश्वर है? नहीं ये तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर ने तो ऋषि मुनि को ज्ञान दिया तब जाके उन्होंने लिखा। नहीं वही बोल, बिल्कुल यही बात, अज्ञात बात में बैठा। आप सुनिए मेरी बात, बिल्कुल। जब हमारे चारों ऋषि थे, जब उन्होंने ज्ञान किया तो ईश्वर ने उनके हृदय में प्रकट किया, ठीक है, तब जाके उन्होंने उनकी मुखारविंद से ही हमें मिला। लेकिन बिल्कुल कैसा मिला, उनको लगा, उनको ईश्वर ने उनके दिल में क्या डाला, बात को डाला, शब्द को डाला, शब्द को डाला दिया, उन्होंने बाद में लिखा जी। या समझ, यही बात में जो है वो श्रुति है, सबके दिमाग में था। बोलिए। अभी यही बात हमारे बाइबल के ऊपर भी लागू हो रही है, जो मूसा था जो लिख रहा है आदि में ईश्वर ने सृष्टि की ये की करके जो लिख रहा है ना, वो लिखने वाला यहाँ ये जेम्स ने समझने की गलती की है कि जैसा यहाँ पर ये प्रमाण दे रहे हैं कि ईश्वर के आत्मा को मंडराते हुए किसने देखा, तो वहाँ ये बोल रहे हैं कि मूसा ने लिखा। तो मेरा सवाल ये होगा कि मूसा के लिखते समय जिस समय लिखा गया, क्या उस समय कागज़ का आविष्कार हो गया था? जब कागज़ का आविष्कार हुआ नहीं तो लिखना क्यों और कैसा संभव है? रही वेद, वेद इस तरीके से नहीं है, वेद को लिपिबद्ध बहुत बाद में किया गया, जब कागज़ का आविष्कार हो गया है उसके बाद ही लिपिबद्ध किया गया, और उसके काल बताए गए राजा इच्छाकु एक राजा हुए हैं उसी के काल में, उन्हीं के काल में उन्होंने इसको लिपिबद्ध करवाया है। तो यहाँ ऋषियों ने बोला है, ऋषियों का उपदेश है, परमपिता परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में प्रकट किया और ऋषियों के मुखारविंद से परमात्मा का ये दिया हुआ उपदेश, यथे मम वाचम कल्याणी मा बदानी जनभ्या, परमात्मा का जो कल्याणी वाणी है वो ऋषियों के मुखारविंद से सुनाया गया जनमानस को। ये नहीं है कि परमात्मा ने बोल करके सुनाया, परमात्मा का तो बोलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा अचुक्रम अकायम है, इसके कोई काया नहीं, कोई शरीर नहीं है, तो शरीर के बिना, शरीर के बगैर बोला जाना संभव नहीं होगा। इसलिए जेम्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेद के उत्पत्ति काल क्या है, उत्पत्ति का तरीका क्या है, उसको जाने बिना इसका समझना संभव नहीं होगा, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता जाऊँगा कहाँ कहाँ इन्होंने
गलत वाला कौन है पहला उसको पता लगाओ। नहीं नहीं यूपी वाला कौन है? मूसा मूसा। हाँ तो मूसा को गलत ज्ञान मिला ना भाई, ये तो सही ज्ञान है ही नहीं। वो ज्ञान गलत है या सही है हम लोग इसके बाद में ये करेंगे, लेकिन आपका जो सवाल क्या था उस वक्त ये मूसा था क्या, ये सवाल है आपका। ईश्वर जब मंडरा रहा था जल के ऊपर मंडरा रहा था तभी ये पहला था या ईश्वर पहला था, आपका सवाल ये बन रही है। हाँ हाँ तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ये जब मूसा लिख रहा था इसको अंतरात्मा में, इसको भी जिस तरह आपका जो चार ऋषि मुनियों को दिल के अंदर प्रकट हुई बात उन्होंने, गणेश जी ने बिल्कुल सीधा सपाटा सवाल उठाया है कि अगर ये लिखा गया है बाइबल में और जिसने लिखा है ये जेम्स कह रहे हैं कि मोसेस ने लिखा है, मूसा ने लिखा है, तो लिखने वाला पहले है या कहने वाला पहले है, सवाल यहाँ है। परमपिता परमात्मा ने जब ये उपदेश दिया उस समय मूसा थे क्या, जो मूसा के दिल में प्रकट हुआ जैसा हमारे यहाँ बताया जाता है। हम यहाँ सवाल ये है कि सृष्टि के आदि में ही चार ऋषि हुए हैं अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा नाम के, और चारों ऋषि ने ऋग यजुः साम और अथर्व ये अलग अलग ज्ञान कांड के हिसाब से दिया, ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान, लेकिन यहाँ कहाँ आ रहा है बाइबल के साथ, ये कहाँ फिट बैठ रहा है। जेम्स को भली भांति इस बात को समझना होगा, जानना पड़ेगा कि वेद उत्पत्ति विषय को जाने बिना ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को अगर आप पढ़ेंगे जेम्स जी तो आपको सच्चाई का पता लगेगा। भाई ये जेम्स भी वही है जो मुझे टिप्पणी में गाली दे दे करके लिखता था, ये जेम्स वही है जो मुझे अपशब्द बहुत बार लिखा है बोला है। आज ये हमारे गणेश जी के साथ किस तरीके से नतमस्तक हो करके बात कर रहे हैं देखिएगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस समय परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया तो यहाँ ज्ञान देने की बात जहाँ आएगी तो परमात्मा के आत्मा को मंडराते हुए बताया गया है बाइबल में। तो परमात्मा की आत्मा अगर अभी मंडरा रही है, दुनिया तो बनी नहीं, तो दुनिया जब बनी नहीं तो फिर मूसा कहाँ से आ गया। तो परमात्मा की मंडराती हुई आत्मा को किसने देखा, ये सवाल उठाया है अपने गणेश जी ने, और ये मेरा भी बहुत सारा वीडियो है ऐसा ही लगा हुआ। तो यहाँ पर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ना जवाब है इन लोगों के पास, तो यही कारण बना कि सच्चाई क्या है उसको जानना पड़ेगा। सच को जाने बिना सत का पाना संभव नहीं होगा, सत को जानना पड़ेगा पहले। और देखिए आगे क्या बोल। अभी जहाँ हमारा वेद ने बोला है सूर्य चंद्रमा सोधाता यथा पूर्व मकल्पयत, ये पहले भी था आज भी है आगे भी रहेगा, ईश्वर प्रकृति जीव ये तीनों अनादि है। हमारे यहाँ नहीं बोला गया है जो ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, ऐसा नहीं लिखा गया है। मूसा को जो ज्ञान मिला है, अगर मूसा ने नहीं लिखा है किसी दूसरे ने भी लिखा है तो ये गलत लिखा है। अगर ईश्वर का आत्मा मंडराता होगा तो उसमें देखा किसने था। अभी मैं भी यही पूछ रहा हूँ, ये जो सनात जो तीनों ऋषि मुनियों ने जो श्रुति के द्वारा लोगों को समझाया है, जीवात्मा प्रकृति और ईश्वर तीनों तत्व सनातनी है और समकालीन है, इस बात को देखने के लिए कौन गया था, उसको देखने के लिए जाने की जरूरत। इस जेम्स की मूर्खता देखिए, जब ये वेद से पता लगा, वहाँ गणेश जी ने प्रमाण दिया है वेद का सूर्य चंद्रमा सवधाता का, अब यह जेम्स बोल रहा है कि ईश्वर प्रकृति और जीव था, तो वहाँ जो लिखा गया है वहाँ देखने के लिए कौन गया था। अरे मूर्ख, यही तो अंतर है, जीव तो वहाँ था पहले से, देखने के लिए जाएगा कौन, जाएगा तो तब जब कोई नहीं होगा, वहाँ जीव पहले से ही है, जब से परमात्मा है तब से जीवात्मा है, तो देखने के लिए जाने के लिए समय चाहिए क्या। यही तो मूर्खता है दुनिया वालों के, दुनिया वालों ने इस चीज़ को समझने का प्रयास नहीं किया है, ये सारे मत मजहब वाले इसी में ही फंसे पड़े हैं, चाहे वो बाइबल वाला हो या कुरान वाला हो, कुरान भी इस चीज़ को नहीं जानता है। खैर तो यहाँ मैंने निवेदन किया कि जेम्स ये कह रहा है कि वहाँ देखने के लिए कौन गया था,
देखने के लिए जाएगा कौन? जाता तो तब जहाँ वहाँ कोई नहीं होता, वहाँ है पहले जीवात्मा। तो जब परमात्मा है, जीवात्मा है और प्रकृति, तीनों अनादि तत्व तो बताया गया, तीनों समकालीन बताया गया है, तीनों बराबर से है बताया जा रहा है, तो फिर देखने के लिए जाना क्यों पड़ेगा? वो पहले से ही मौजूद है, तो जाएगा कौन? जाएगा तो तब जब वहाँ नहीं होगा, जब पहले से है तो जाएगा क्यों? नहीं ना, उन्होंने तो फिर वही प्रकाश कर दिया है ना उनको, उन्होंने सुनिए, उन्होंने उनकी दिल के अंदर ईश्वर ने दिया, उन्होंने हमें वेद के अंदर दिया हमें जानने के लिए। और मेरी बात सुनिए बराबर, सुनिए और मेरी बात सुनिए, जहाँ वेद में है, वेद में ये सब बातें हैं, तो आप एक गलत सीट करके दिखा दीजिए। करेंगे जरूर, धीरे धीरे करेंगे, एक ही विषय पर लेंगे ना हम लोग। हाँ ठीक, एक ही बार पूरा वेद को हम लोग गलत करेंगे। वेद का मतलब होता है नॉलेज, उसको नॉलेज से हमको कितना तक पढ़े हैं आपने? हां, सत्यत प्रकाश को कितना तक पढ़े? सत्यत प्रकाश देखो भाई, पहला तो मैं पढ़ा हूं, ईश्वर का जो सब नाम है वो ही पढ़ा हूं। नहीं, आपने 13वां संबंध पढ़िए। हाँ वो भी पढ़ा हूं, वो तो मेन हमारे क्रिश्चियन लोगों का है ना यार, उसको पढ़ने के लिए इसको पढ़ना पड़ा। अब त्रयोदश संबंध सुनो, सुनो 7वां और 8वां और 13वां, चार चैप्टर को मैंने पढ़ा। कौन सा कौन सा? पहला, सातवां, आठवां और 13वां समूला पढ़ा मैंने, क्योंकि 13वां समूला के अंदर सुनिए बाइबल विरोध की बात है। मैं बाइबल को मैं पढ़ रहा हूँ। अभी हमारा यहाँ बोला गया है यथेमाम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्यः, ये कल्याणी वाणी पूरी मानव मात्र के लिए है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बोधि का नाम नहीं लिया गया है। कुरान ने बोला है मोमिनों के लिए काफिरों को दोस्ती मत रखो, ये विवाद क्या है? बाइबल में किधर लिखा? बोलो, बोल दो ना, बोल दो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अध्ययन कर रहा हूँ, एक समय आएगा मेरी, आप मुझे बोलो, मैं आपके बोलूंगा। अभी देखिए, जहाँ मानव मात्र के लिए आया है उसको आप नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। जहाँ मानव मात्र के लिए आया है, आप भी भारतवासी है, मैं भी भारतवासी हूँ, हमारे लिए जहाँ बोला गया है तुम सबके लिए, यहाँ आप छोड़ ही नहीं सकते उस पुस्तक को। वेद जितना मेरा है उतना आपका भी है। बिल्कुल, वेद जितना आपका है उतना मेरा भी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। नहीं बोलते ना वेद, आप वेद का मतलब भी है, वेद का मतलब है ज्ञान बुद्धि, मतलब नॉलेज ज्ञान बुद्धि, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है। लेकिन वो बुद्धि से हमें क्या प्राप्त करना है? ईश्वर को प्राप्त करना है, सत्ता पे चलना है, बस वही बात है। अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अच्छी तरह चलना चाहते हैं, तो आप में जेम्स मुलर में और गणेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, लेकिन हमें एक तो काम करना पड़ेगा, मेहनत होगी, जैसे कि हम पहले उसे ईश्वर क्या है जानेंगे। ठीक है, तो आप मेरे सामने सब्जेक्ट रखिए, मैं भी क्लियर करूंगा, मैं भी बाइबल का सब्जेक्ट रखूंगा। आप मैंने तो बोला ही है यार, जो सत्य है उसको मानो, बस बस बस, वही इंसान को श्रेष्ठ, ईश्वर इंसान को श्रेष्ठ पानी इसीलिए बोला गया है कि तुम विचार करो, विचार करो, विचार करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध विचार, शुद्ध को निकालो, शुद्ध करो, जो सबके लिए बराबर फिट बैठे। हाँ, शुद्ध ही सबको एक बना लीजिए, बस सबको एक होना है, विवाद नहीं होना है, सबको एक। हम लोग अगर मैं क्रिश्चियन बोलूंगा, नहीं मैं ईसाई हूँ, मेरा धर्म नहीं सत्य है, ये प्रमाण किसी को, किसी के पास नहीं है जो ईश्वर ने तुमको क्रिश्चियन बना के भेजा, मुसलमान बना के भेजा, किसी के। लेकिन आप भी मुझे नहीं, आप अभी मुझे बोल रहे ना, कोई क्रिश्चियन बोलता तो मत बोलिए, बाइबल के अंदर मुझे दिखा दीजिए, जेम्स भाई तुम्हारे बाइबल के अंदर लिखा है ऐसा ऐसे लिखा है। नहीं नहीं, लिखने वाला अगर यीशु ने बोला है तो, यीशु ने अगर बोला है तो मुझे बोल दीजिए। मैंने आपको पूछा था, ये दृष्टांत सुनाने वाला ईसा मसीह था ना, जो ये दृष्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर वो ईश्वर होता, ऐसा अच्छा व्यक्ति होता, तो ईश्वर ऐसा मत बोलो, नहीं सुनो, ईश्वर ऐसा मत समझो, ईश्वर का अलग कार्य है और यीशु का अलग कार्य है, और इसको दोनों को तुम मिला के जब पढ़ेंगे ना, इसका कार्य अलग बनती है। यहाँ बाइबल ने माना है ईश्वर अलग है, यहोवा अलग है और ईसा मसीह अलग है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसी बाइबल में ईसा मसीह के लिए तो ये कहा गया है कि वो ईश्वर का इकलौता बेटा है। अब ये पक्षपात का आरोप लगेगा परमात्मा पर, जब परमात्मा को पिता कहा गया है, वेद में आया है, त्वम हिना पिता वसो त्वम माता शतकद बहुविधा आधाते सुम नमी महे, जिसका सरलीकरण हम और आप बोलते हैं दुनिया वाले,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये एक के लिए नहीं है। जब वहाँ बाइबिल के लिए आप वेद के लिए ये मान लिया है कि वेद यथेमम वाचम कल्याणी है, मानव मात्र के लिए कल्याण के लिए है, अब ईसा मसीह ईश्वर का इकलौता बेटा हो जाए तो ईश्वर पर पक्षपात का दोष नहीं लगेगा क्या? और दुनिया वाले क्या ईश्वर के सौतेले बेटे होंगे? अब यहाँ सवाल आएगा, अगर बाइबल ये कह रहा है, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये बताया गया है कि ईश्वर का इकलौता बेटा ईसा मसीह है, तो मेरा सवाल ये होगा कि पहले पिता है या पहले पुत्र है? तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि पहले पिता है, पर दुनिया वालों को ये ज्ञान ही नहीं है। जो पहले पिता है कहेंगे उनको ये अकल ही नहीं है, क्योंकि पिता बनने से पहले उसके घर में संतान आना ज़रूरी होगा। बेटा हो या बेटी, जब तक नहीं होगा वो किसी का पिता नहीं बन सकता। अगर कोई कहे कि पुत्र पहले है और बिना पिता का पुत्र बन नहीं सकता, पर बाइबल और कुरान में तो भेद यही डाल रखा है ना कि ईसा का कोई पिता ही नहीं है, ईसा का कोई पिता नहीं है, बिना पिता का संतान बनना क्यों और कैसा संभव होगा? ये विज्ञान विरुद्ध है, ज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध भी है, सृष्टि नियम विरुद्ध भी है। पर इस सृष्टि नियम विरुद्ध बातों को छोड़ने के बजाय लोग उसे ढो रहे हैं। कुरान भी कह रहा है इस बात को कि बिना पिता का अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, और बाइबल भी यही बता रहा है। तो जब पिता और पुत्र के काल में बराबर है, हमारे यहाँ जब से परमात्मा है उस समय से जीवात्मा है, जीवात्मा और परमात्मा के काल में अंतर नहीं है, जब से जीवात्मा है उस समय से ही परमात्मा, उस समय से ही प्रकृति है, इसीलिए पिता और पुत्र के काल में अंतर नहीं है। जब से पिता है उस समय से ही पुत्र है, समकालीन है। सिर्फ तीनों में अंतर ये है, भेद ये है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, प्रकृति ज्ञान शून्य है, और जीवात्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। तो जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करना चाहता है, इतना ही अंतर है। लेकिन बाइबल में ये सरासर गलत लिखा है कि इकलौता बेटा ईसा मसीह को इकलौता बेटा मानना क्यों और कैसा संभव होगा? और जिस पिता का पुत्र का कोई पिता ही नहीं है, तो ये ईश्वर पर दोष लगा दिया इन्होंने कि ईश्वर का पुत्र है वो, जबकि ईश्वर का पुत्र तो सभी प्राणी मात्र को ईश्वर का पुत्र बताया गया है। तो जब ईश्वर का पुत्र सब है तो किसी एक को ईश्वर का पुत्र मानना, कहना, बोलना, जानना ये सरासर झूठ है और गलत है। इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए जेम्स को भी। अभी यीशु को और ईश्वर को एक मत करो। अभी सुनिए, आप ईसा मसीह को ही मानने वाले हैं ना, आप तो दूसरे किसी को नहीं मानेंगे ना। नहीं मैं क्या, नहीं नहीं गलत है आपका। अभी देखो, जैसा तुम आत्मा को और शरीर को दोनों को मानते हो, एक ही को मानते हो? नहीं मैं दोनों मानता हूँ। मानता हूँ ना, बिल्कुल वैसा मेरा भी है। ईश्वर है आत्मा के स्वरूप और जो शरीर है यीशु के स्वरूप। जेम्स बोल रहा है कि आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हो ना, तो गणेश ने बोला जी अलग अलग मानता हूँ, तो ये जेम्स बोल रहा है कि आत्मा है ईश्वर का स्वरूप और शरीर है आत्मा का, यीशु का स्वरूप। ऐसा नहीं होगा, आत्मा परमात्मा का स्वरूप नहीं होता। परमात्मा का सत्ता अलग है, मैं पहले ही बोला था कि तीनों सत्ताएं अलग अलग है, परमात्मा का स्वरूप क्यों और कैसे हो जाएगा? अगर परमात्मा का स्वरूप होगा तो परमात्मा में जो गुण है वह गुण आत्मा में होना चाहिए, पर वो गुण नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि दोनों चीज़ अलग अलग हैं। जब दोनों अलग हैं तो दोनों के गुण भी अलग होंगे। दोनों को एक मानना ये बड़ी मूर्खता है। ये हमारे यहाँ पर अद्वैतवाद वालों ने भी यही किया है। ये सब गड़बड़ झाला है, ये वेद से लोगों को दूर हटाया है इससे। इसीलिए वेद के नज़दीक आना पड़ेगा, वेद के शरण में आना पड़ेगा, तभी सच्चाई को जाना जाना संभव होगा। ये सरासर गलत है कि आत्मा ईश्वर का स्वरूप है, ऐसा नहीं है। ईश्वर का सत्ता अलग है, आत्मा का सत्ता अलग है। समझिए ना, ये एक कारण है, आधार है। यीशु हमारे लिए ईश्वर को समझने का एक आधार है, क्योंकि उसके जरिए से जो शब्द आए हैं। जो यीशु जो था, जो उसी यीशु जो था भाई,
ये जेम्स बोल रहा है कि ईश्वर को समझने के लिए यीशु आधार है, यही गलत फहमी के शिकार हैं। जैसा ईसा मसीह को पाए बिना कोई ईश्वर को पा नहीं सकता, इसको आधार माना है। ये परमात्मा के लिए कोई बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा और जीवात्मा के बीच में कोई नहीं है, बीच में अगर है केवल वो अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को दूर करना ही मानव का काम है। उस परमात्मा को जानने के बाद ही परमात्मा का पाया जाना संभव है। किसी के द्वारा हम परमात्मा को पाएं यह संभव नहीं होगा। परमात्मा कौन है, परमात्मा को जानने के लिए उसकी पहचान क्या है, कैसा पाया जा सकता है, ये सब जानने का काम है। ये सब जान करके ही परमात्मा का पाया जाना संभव होगा। इसीलिए यीशु परमात्मा का स्वरूप है ये कहना सरासर गलत है, और यीशु को पाए बिना कोई गॉड को पा नहीं सकता, यहोवा को पा नहीं सकता। यही बात तो कुरान वालों की है। कुरान में भी मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। कुरान में भी एक दो जगह नहीं, बहुत जगह बताया गया है कि अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद को पाना पड़ेगा। पर खूबी यह है वैदिक धर्म में, परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है, बीच में कोई नहीं है। जीवात्मा अपने आप प्रयास करे, जाने, जान करके प्रयास करते हुए अपने को तैयार करे उस परमात्मा का सानिध्य लाभ करने के लिए। जैसे यहाँ तो पाने की बात है, भाई पाएंगे तो वो जो खोएगा, हमारे यहाँ पर खोने की बात ही नहीं है। परमात्मा जब सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक होने के कारण वो तो उससे कोई जगह खाली नहीं है। तो हमारे और परमात्मा के बीच में गैपिंग क्या है, गैपिंग यही है अज्ञानता। इसी अज्ञानता को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं होगा। उसी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही सारे ऋषि मुनियों ने ये उपदेश दिया है। लेकिन ये लोग जो उसको पाने के लिए कहीं कोई दीदार कर रहे हैं, कहीं कोई सातवां आसमान का चक्कर लगा रहे हैं, कहीं कोई मेराज को जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये सब अज्ञानता है। इसीलिए परमात्मा और जीवात्मा के अंदर में दूरी नहीं है, वो सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक होने के कारण वो हमसे अलग नहीं है और ना उससे हम अलग हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उसको जानना पड़ेगा, और वो जानकारी में बाधा कहाँ है, अज्ञानता। इसी अज्ञानता को दूर करना ही मानव का काम है। तो आइए हम सब प्रतिज्ञा करें, किसी अज्ञानता को दूर करते हुए हम परमात्मा का सानिध्य लाभ करें। जब परमात्मा का सानिध्य लाभ करना ये केवल और केवल मानव के लिए कर्तव्य है। मानव के सिवा कोई और परमात्मा को जान नहीं सकता, परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। ये सौभाग्य केवल मानव को प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये मत समझिएगा कि कुरान वालों ने बोला है वातीउल्लाह वातीउ रसूल, इताअत करो मेरी और मेरे रसूल की। हमारे यहाँ पर परमात्मा को छोड़कर किसी की इताअत नहीं है। एक परमात्मा की इताअत करो, परमात्मा की उपासना करो। सनो बंदुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शान स्थिति ये धामान धैर्य। ऐ लोगो वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करनी योग्य है। एक परमात्मा को छोड़ करके यहाँ वेद में किसी और की उपासना नहीं है, किसी की इताअत करने की बात नहीं है, किसी का अनुगत्य स्वीकार करने की बात नहीं है। कि कुरान कहता है उसके अनुयायी बनो, मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता है। और बाइबल की भी मान्यता यही है कि ईसा को पाए बिना कोई यहोवा को, गॉड को, परमात्मा को नहीं पा सकता। ये सरासर गलत है। जो ये अज्ञानता हमारे और परमात्मा के बीच में है, हम अपनी अज्ञानता के कारण उस परमात्मा को जान नहीं पाए, उसको पहचान नहीं पाए, उसके सानिध्य को लाभ नहीं कर पाए। इसी अज्ञानता को दूर करते हुए ही हम प्रयास करें। यह हर मानव के लिए कर्तव्य बनता है। हर कोई मानव अगर इसी अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करे तो कहीं पर मानव समाज में कोई झगड़ा नहीं है, मानव समाज में और परमात्मा में, मानव में और परमात्मा में कोई दूरी भी नहीं है। दूरी अगर है तो केवल ये ज्ञान की दूरी है। तो इसी अज्ञानता के कारण ही परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर पा रहे हैं। अगर परमात्मा का सानिध्य लाभ करने का तरीका
ये लोग जान जाएं तो कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा, इस्लाम की मान्यता है कि अल्लाह के खुशनुदी को प्राप्त करना, अब अल्लाह के हुक्म को मानना, अल्लाह के सानिध्य प्राप्त करना, अगर अल्लाह का सानिध्य प्राप्त करना है तो वहाँ पर झगड़ा लड़ाई मार दंगा फसाद कहाँ से आ रहा है, कत्ल कहाँ से है, युद्ध कहाँ से है, हत्या कहाँ है, तो क्या परमात्मा का सानिध्य लाभ इससे पाया हो सकता है? पर हाँ, यही कुरान का आदेश है, कुरान का हुक्म यही है कि इस तरीके से अल्लाह को पाया जा सकता है। इसीलिए ये सब बेतुकी बातें हैं, मानवता पर कुठाराघात हुआ है, ये मत मज़हब वालों ने ही मानव समाज पर कुठाराघात किया है। इसे हमें जानना पड़ेगा, परमात्मा का सानिध्य लाभ करने के लिए जिस अज्ञानता में हम विचरण कर रहे हैं उसी अज्ञानता को से हमें अलग होना पड़ेगा, हमें ज्ञान की रोशनी में आना पड़ेगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान की मानी है प्रकाश, उसी प्रकाश में आना पड़ेगा। परमात्मा का ज्ञान मानव मात्र के लिए बराबर है, सबके लिए समान है, किसी के लिए भेदभाव नहीं है। यही कारण बना कि वेद में ना कोई हिंदू शब्द है, ना कोई मुसलमान शब्द है, ना ईसाई जैनी बोधी के नाम से कोई शब्द है, वहाँ पर मानव मात्र के लिए है। इसीलिए आइए, यह अधिक ना लंबा करता हुआ मैं यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ, और उस परमात्मा को जाने हम। परमात्मा को जानने के लिए क्या चाहिए उसको समझना पड़ेगा। यही कारण बना कि वेद में ही ये सारा उपदेश आया हुआ है, वेद से इतर और दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है जिससे परमात्मा का जाना जाना संभव हो। सब जगह झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद की बातें हैं, लेकिन परमात्मा के सानिध्य को लाभ करने के लिए ये बातें होना संभव नहीं है। यही कारण बना कि ईश्वर और अल्लाह एक नहीं है, ईश्वर और अल्लाह में यही भेद है। अल्लाह का उपदेश अलग है, जो अल्लाह कत्ल करने के लिए हुक्म दे रहे हों, जो अल्लाह पशु काटने के लिए हुक्म दे रहे हों, तो ये ईश्वर के साथ समतुल्य समकक्ष क्यों और कैसा होना संभव होगा? जो ईश्वर प्राणी मात्र पर दया करते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम बताया है, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानने के लिए बताया है, मित्र सचक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षामय, ये उपदेश आया है कि सभी जीवों को अपने मित्र के समान देखो, मित्र के बराबर देखो, ये उपदेश परमात्मा का है, ये उपदेश कुरान में कहाँ है, ये उपदेश बाइबल में कहाँ है? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हम और आप सच्चाई को जाने, मानव कहलाने के अधिकारी हम बने। मानव कहलाने के लिए हमें सत को धारण करना पड़ेगा, असत को त्यागना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत